देवभूमि उत्तराखंड भारत के उत्तरी राज्यों में से एक है, जो अपने विशाल हिम आच्छादित पर्वतों, धार्मिक तीर्थ स्थलों तथा अपने प्राकृतिक सौंदर्य की धरोहर के लिए पूरे देश में जाना जाता है। सन 2000 में स्थापित यह राज्य अपने अस्तित्व के 17 वर्षों बाद भी केवल राजमार्गों से ही जुड़ा हुआ है। इसी क्रम में उत्तराखंड को नया आयाम देने के लिए तथा चार धाम यात्रा को आसान बनाने के लिए सन 2013 में आई भीषण आपदा को देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सन 2014 में चार धामों को रेल मार्ग द्वारा जोड़ने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। साथ ही भारत सरकार ने ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के लिए एक नई ब्रॉड गेज रेल लाइन की महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 16,216 करोड़ रुपए के विस्तृत आगरण को स्वीकृत किया, जिसका दायित्व रेल विकास निगम लिमिटेड को दिया गया। इसके पश्चात चार धाम को रेल मार्ग द्वारा जोड़े जाने के लिए 327 किलोमीटर की फाइनल लोकेशन सर्वे का कार्य स्वीकृत किया गया, जिसका कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्रारंभ किया जा चुका है। कठिन एवं अगम्य पर्वतों की श्रृंखला के कारण ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन के गहन सर्वेक्षण का कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा आधुनिकतम तकनीकों जैसे सैटेलाइट इमेजरी, डिजिटल एलिवेशन मॉडल, DGPS इत्यादि से पूर्ण किया गया है। कुल 125 किलोमीटर की यह रेल लाइन उत्तराखंड के 5 जिलों से गुजरेगी, जो देहरादून के ऋषिकेश से टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल तथा रुद्रप्रयाग होते हुए चमोली के कर्णप्रयाग तक जाएगी। इस रेल लाइन परियोजना के कुछ मुख्य स्टेशन ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग तथा कर्णप्रयाग होंगे। उत्तराखंड के पर्यावरण तथा जनजीवन को सुरक्षित रखने के साथ साथ यात्रा को वर्ष भर सुचारू रखने एवं यात्रियों की सुरक्षा के लिए इस 125 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का 85% भाग भूमिगत रखने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कुल 17 सुरंगों वाली इस परियोजना में सबसे लंबी सुरंग 15.1 किलोमीटर की है, जो भारत की अब तक की सबसे लंबी सुरंग होगी। 12 स्टेशनों की यह रेल लाइन कुल 16 पुलों से होकर गुजरेगी, जिसमें रोड ओवर ब्रिज, रोड अंडर ब्रिज के अलावा गंगा, अलकनंदा एवं कई गहरी खाइयां तथा गडेरों पर पुलों का निर्माण किया जाएगा। इन 16 पुलों में से मुख्य पुल ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी पर, देवप्रयाग में गंगा नदी पर तथा लछमोली, श्रीनगर एवं गौचर में अलकनंदा नदी पर होंगे। इस चुनौतीपूर्ण परियोजना के निर्माण से उत्तराखंड के सामाजिक तथा आर्थिक विकास को द्रुत गति मिलेगी। राज्य में रोजगार, पर्यटन, व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी, पेट्रोल तथा डीजल की काफी बचत होगी तथा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की परेशानी भरी 6 घंटे की यात्रा घटकर 2 घंटे की आनंददायक एवं रोमांचकारी यात्रा बन जाएगी। यह रेल लाइन उत्तराखंड के तीर्थ यात्रियों के लिए भी एक वरदान साबित होगी, जो श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, श्री गंगोत्री तथा श्री यमुनोत्री धाम जाने वाले रास्तों को आसान, सुविधाजनक तथा सुरक्षित बनाएगी। इस रेल लाइन का राज्य से हो रहे पलायन पर सकारात्मक असर दिखेगा। सुविधा, सुरक्षा तथा आसान यात्रा के साधन होने के कारण न केवल पलायन की प्रक्रिया रुकेगी बल्कि वापसी की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। इस रेल लाइन से हमारे सुरक्षा बलों तथा सैन्य साजो सामान की आवाजाही भी आसान हो जाएगी तथा इनकी सामरिक महत्व के स्थानों तक त्वरित गति से पहुंचाया जा सकेगा। यह रेल लाइन उत्तराखंड के सामाजिक, आर्थिक तथा सामरिक उन्नति के लिए मील का पत्थर साबित होगी।